वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। 9th क्लास की मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम 1.3। अब देखिए 1.3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां हम बात करेंगे आप टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हम बात करेंगे। अब यहाँ पर टर्मिनेटिंग क्या होता है, किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते करते हमारे पास क्या लास्ट में उसका रिमाइंडर अगर जीरो बचता है तो उस कंडीशन वो टर्मिनेटिंग होगा। और हम और दूसरे क्या हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग, हम डिवाइड करते जाओ किसी भी नंबर को, वो पॉइंट के बाद डेसिमल में आते रहते तो और कभी भी वो जीरो पे समाप्त नहीं होता, यानी कि उसके रिमाइंडर क्या कभी जीरो नहीं आता है, कुछ पर्टिकुलर के बाद वो दोबारा से वही डिजिट आ जाते हैं जिससे हमने स्टार्ट किया था डिवाइड करना, तो उस तरीके के हमारे पास क्या बनेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन दे रखा हमारे पास क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स दे रखे हमारे पास ये है, इसको हमें क्या डेसिमल में कन्वर्ट करना और बताना है हमारे पास किस टाइप का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चंस करते हैं फर्स्ट पार्ट। ये देखा हमारे पास क्या फर्स्ट 6/100 हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 36 100 से डिवाइड कीजिए नहीं जाएगा, ना जाने क्या जीरो के लिए पॉइंट। अब देखिए ना यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ ले लिया हमने जीरो, अब 100 से डिवाइड करो 3 पे जाएगा 300 06, यहाँ एक और जीरो ले लिया आपने जीरो बना दिया, ठीक है। अब ये 6 पे चला जाएगा 600, यहाँ रिमाइंडर क्या मिल गया जीरो। जब रिमाइंडर जीरो मिल गया तो यानी कि हमारे पास क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल जीरो पॉइंट थ्री सिक्स, यानी कि टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है 0.63। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है इसका हमारे पास 1/11, इसको डिवाइड करो 11 से डिवाइड करो, देखो जाएगा नहीं तो जाएगा जीरो पॉइंट, यहां पर लग लिया यहां ले लिया जीरो, अभी भी नहीं जाएगा तो क्या ले लिया हमने जीरो, फिर एक और यहाँ जीरो ले लिया, अब 9 पे चला जाएगा 99 1, फिर यहाँ क्या ले लिया हमने जीरो, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ एक और जीरो उतार लिया, फिर 9 पे चला जाएगा ये, फिर यहाँ उतार लिया 1, फिर यहाँ पे क्या ले लिया एक जीरो, फिर यहाँ पे ले लिया जीरो, फिर यहाँ पर ले लिया जीरो, फिर 99। हर कंडीशन में क्या देखो 1 कैरी मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको लंबा डिवाइड नहीं करना, हमारे पास कैसे लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहां मिलेगा 1/11 = 0.09 के ऊपर बार, देखो यही वैल्यू हमारे पास रिपीट हो रही है 0.9 0.9 0.9 की 0.9 की पावर बार। क्लियर। थर्ड पार्ट है इसका ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, क्या गया इसके मल्टीप्लेक्स में फिर ऐड करोगे इसको क्या गया, डायरेक्ट करता हूं 33/8। अब हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है डिवाइड कर दो, फोर गया 32 1 पॉइंट, यहां पॉइंट ले लिया जीरो, वन पे या एट तो यहां जीरो ले लिया, ये जीरो कहां ले लिया टू पे लिया, यहाँ लिया फोर, यहाँ लिया जीरो, फाइव पे चला जाइए, प्रॉपर डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या मिल गया जीरो, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये क्या हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल क्या मिलेगा 33/8 = 4.125।
क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट भी आपको क्या सेम इसी तरीके से करना का, प्रॉपर डिवाइड हो गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उम्मीद करता हूँ समझ में, नोट कीजिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा बच्चों हमारे पास, क्या यू नो डेट 1/7 इक्वल टू 0.142857 की बार, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ, कैसे। अब देखिए ध्यान से, कहने का मतलब क्वेश्चन बोला है कि 1/7 का हमारे पास क्या डेसिमल दे रखा है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में, और हमें बताना है कि 2/7 का, 3/7 का, 4/7 सबका हमें क्या करना है, डेसिमल निकालना विदाउट लॉन्ग डिवीजन, हमें इसको डिवाइड नहीं करना है और बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बिना डिवाइड किए लॉन्ग डिवीजन, यानी कि ये मेथड हमें अप्लाई नहीं करना है, यानी कि ये चीजें, ठीक है, ये मेथड अप्लाई नहीं करना डिवाइड का, और हमें बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास गिवन है, 2/7 का निकालो यहां से, नाउ 2/7, अब 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 1/7 कर सकता हूं, यहां पे 2 × 1/7 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.142857 की बार। अब हमें क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई से कर दो, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, 2 की मल्टीप्लाई 7 में, ठीक है, 2 × 7 जब 14, 14 का 4, 2 × 5 जब 10, 10 और कैरी 1, 11, 2 × 8 जब 16, 16 और 1 कैरी 17 का 7, 2 × 2 जब 4, 1 कैरी 5, 2 × 4 जब 8 और 2 × 1 जब 2.0, ये आ गया हमारे पास किसके ऊपर, 12 में आ गया। इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, 3/7 का, तो इसको 3 × 1/7 लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ उतर गया 3 × 1/7 की वैल्यू 0.142857 की 12, 3 की मल्टीप्लाई में कीजिए, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई में कीजिए क्या, 3 × 7 जब 21, 3 × 5 जब 15 और 2 × 17 के 7, 3 × 8 जब 24 और 1 के 3 × 2 जा 6 और 2 कैरी 8, 3 × 4 जा 12 और 1 क्या जाए हमारे पास है, 3 अब 3 की मल्टीप्लाई से करना बच्चों हमारे पास क्या है, 3 × 7 जा 21, 21 का 1 कैरी किया गया हमारे पास है 2, 3 × 5 जब 15, 15 और 2 ऐड करोगे 17, 17 का 1 कैरी मिल गया 1, 3 × 8 का 24 में 1 ऐड करोगे 25, 5 का 25 का 5 2 मिल गया कैरी, 3 × 2 जा 6, 6 और 2 8 कैरी मिल गया 0, 3 × 4 जब 12, 12 का 2 कैरी मिल गया 1, 3 × 1 जब 3 और 1 4 0, ये आ गया हमारे पास क्या 3/7 का। इसी प्रकार से आप यहां पर निकालो सिमिलरली 4/7 का, 4 × 2 में 1/7, 4 × 2 में इसकी वैल्यू क्या है 0.142857, क्लियर। अब यहां देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 7 28 का 2 कैरी आ गया 2, 4 × 5 जब 20 और 2 22 कैरी आ गया 2, 4 × 8 दा 32 और 2 4 कैरी आ गया हमारे पास क्या 3, 4 × 2 जा 8 और 3 1 कैरी आ गया हमारे पास क्या 8 और 3 11, 11 जा 1 कैरी आ गया 1, 4 × 4 जा 16, 16 और 1 17, 17 का आ गया हमारे पास कैरी 1, 7 4 × 1 जा 4 और 1 5 0, ये आ गया हमारे पास क्या, इसको बाहर लगा दिया। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, 7/5 का 5 × 1/7, 5 क्या रखना वैल्यू क्या हो 1 4 2 8
फाइव सेवन, इससे मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ निकाल लेना इसे, पकड़ सिक्स अपॉन में सेवन का वन, सिक्स इंटू में वन बाई सेवन, यहाँ के सिक्स इंटू में जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन, यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों, नोट कीजिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी।